Hey guys, finally we are back with another video. So guys, अगर आप plan कर रहे हो एक tripod लेने की, तो definitely ये video देखिए, आपको बहुत value मिलेगा इस video में. So एक company है Yunfeng नाम की, Chinese company है. वो tripod का model number है 3388, जिसका हम लोग review देने वाले हैं. So उसमें बहुत सारे features हैं. 1370mm का ये tripod है, 520mm का इसका विद है, बाद में बहुत सारी चीज़ें इसके रिगार्डिंग लिखी गई है यहाँ पे उसके बॉक्स कंटेंट पे. तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और इस बॉक्स को ओपन करते हैं. सो ये आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल मिल जाएगा. फिलहाल तो फ्लिपकार्ट पे अभी आउट ऑफ स्टॉक है और अमेजन पे अवेलेबल है. इसकी करंट जो प्राइस है वो 1400 है, 13999. सो गाइज देख सकते हो इस तरीके के पैकेजिंग में आता है और बहुत क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट है ये. तो आपको पूरा मैं वीडियो में रिव्यू दे रहा हूँ, तो पूरा वीडियो लास्ट तक बने रहिए. अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया ना गाइज, तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा है. तो सबसे पहले देख सकते हो गाइस, बॉक्स को ओपन करने के बाद इस तरीके का इसका एक पाउच आता है जो अच्छा है, जिसमें आप इसको रख के हमेशा कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो. और उसकी भी क्वालिटी नॉर्मल है, तो उसको आप खींच कर बंद भी कर सकते हो. सो इस तरीके से ये पाउच मिला है. और इसके बाद इसको ज़रा देखते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिले. तो गाइस आपको इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पूरा वीडियो देखिए, तो आपको इसके रिगार्डिंग सारी जानकारी मिल जाएगी. तो गाइस दिखने में बहुत प्रीमियम है. आपने मार्केट में देखा रहेगा बहुत सारे सस्ते ट्राइपॉड मिलते हैं जो सिल्वर कलर में आते हैं, लेकिन जिनकी क्वालिटी कुछ खास नहीं रहती है. सो इस वीडियो में इसके जो अनबॉक्सिंग कर रहे हैं हम लोग, इसमें आपको कहीं ना कहीं एक मेटेलिक फिनिश भी मिला है इसके जो लेग्स होते हैं उस पर. सो आप उसको भी देखोगे तो आप फील करोगे कितना क्वालिटी प्रीमियम प्रोडक्ट लग रहा है ये. सो बेसिकली चाइना जिसको हम बोलते हैं वो ख़राब प्रोडक्ट्स के लिए, वैसा कुछ नहीं होता. चाइना में बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन जो चाइना के चीप प्रोडक्ट्स रहते हैं वो इंडिया में आते हैं, इसके लिए हम बोलते हैं चाइना का माल ख़राब है. तो बेसिकली ऐसा नहीं है, चाइना में बहुत हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो यूके, यूएस ऐसे कंट्रीज़ में सप्लाई हो जाते हैं. तो इस तरीके का इसका कुछ हैंडल है और जो ये प्रोडक्ट है उसका पूरा वैल्यू फॉर मनी मिलेगा आपको. सो गाइस देख सकते हो इस तरीके से आप उसको लूज़ कर सकते हो और टाइट कर सकते हो. तो आगे पूरे वीडियो में मैंने ये सब कवर किया है. मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिए कि इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में कवर हो जाएगी. तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा क्लिप होता है उसको यहाँ पे एक लॉक मिला है, उसको आप हटा भी सकते हो, निकाल दोगे तो आपको बाद में आप उसमें DSLR भी अटैच कर सकते हो. सो बेसिकली मोबाइल के लिए एकदम परफेक्ट है, आप DSLR के लिए भी यूज़ कर सकते हो. तो दुकान वाले ने मेरे को बताया कि DSLR के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो इसमें दिया है उतना बड़ा. आप माउंट अगर चेंज करोगे तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो. सो गाइस देख सकते हो ये क्लिप, जैसे उसको आप करोगे उसके बाद आप उसको मतलब इन आउट कर सकते हो इजीली. सो कहीं ना कहीं अच्छा फीचर है, क्योंकि मैंने इसके पहले जितने भी ट्राइपॉड यूज़ किए उसमें इतना कस्टमाइजेशन नहीं था और वो सब कहीं ना कहीं थोड़े सस्ते थे. तो जितने भी मार्केट में आपको सस्ते सिल्वर बेस्ड ट्राइपॉड मिलते हैं उसकी क्वालिटी बहुत चीप रहती है. तो गाइस देख सकते हो नीचे एक लॉक करके भी दिया है, जिसमें आप आपका जो माउंट रहता है उसको होल्ड कर सकते हो, कहीं पे भी आप जा रहे हो तो निकाल कर आप नीचे वहाँ पे अटका सकते हो. सो वो भी एक अच्छा फीचर लगा मुझे इस ट्राइपॉड का. और आप देख सकते हो गाइस ये जो दिख रहा है ब्लैक कलर का बहुत प्रीमियम है, और साथ ही साथ इसकी हाइट ये सब भी मैं कंपेयर कर लूँगा. अराउंड मेरी हाइट है 5.9 समथिंग. सो लगभग जो एक मिनिमम होता है अगर आप किसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, वो सारे के सारे फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल है. इसके पहले हम लोग ने एक ट्राइपॉड बनाया था, उसका भी हम लोग ने वीडियो रिव्यू किया था, तो वो भी लिंक दे दूंगा मैं. वो 350 रुपये का ट्राइपॉड था, तो हम लोग सोचे कि फ्लिपकार्ट से मंगा लेते हैं, लेकिन उसकी जो हाइट थी वो इतनी बड़ी नहीं थी, तो हम लोग उससे इतना सेटिस्फाइड नहीं थे. तो इसके लिए हम लोग ने ये प्रोडक्ट को मंगाया और जो वैल्यूएबल है आप देख सकते हो गाइस. अभी मैं इसको लेग्स को आप ऐसे खींच कर नीचे निकाल सकते हो, उसके बाद वो लॉक दिया है जिससे इजीली वो अच्छे से खड़ा रहेगा नीचे. तो इस तरीके से गाइस देख सकते हो, जब आप उसको ओपन नहीं करोगे, उसका मेन जो हैंडल है बाजू में दिया, जिसको आप ऊपर ऐसा रोटेट करोगे तो अपने आप बड़ा हो जाएगा, और उसके बाद उसको आप फिर से बैक करोगे तो नीचे चढ़ जाएगा. तो आगे मैंने एक मोबाइल को यूज़ करके भी बताया है कि कैसे होता है. तो देख सकते हो सिंपली गाइस जो हैंडल है उसको आप आगे करोगे तो ऊपर जाएगा और पीछे साइड करोगे तो वो नीचे आएगा. और इसके अंदर जो होल्डर दिया है आपको, उससे आप सिनेमेटिक शॉट्स भी ले सकते हो, जिससे अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो कुछ ऐसा आपको कैमरा का रिगार्डिंग दिखाना है कुछ, तो उसके लिए आप सिनेमेटिक शॉट आराम से शूट कर सकते हो. और जो माउंट है गाइस उसको इजीली आप इस तरीके से जो पिन दिया है उसको आप निकाल के भी, एक नीचे साइड पिन दिया था उससे भी कर सकते हो. मैंने तो फिलहाल इसमें फटाफट कर दिया है, तो आप इजीली उसको भी कर सकते हो. सो कहीं ना कहीं मैं इसका जो रिव्यू आपको दे रहा हूँ उसमें मुझे ये लगा कि वन ऑफ द बेस्ट अभी तक जितने भी हमने ट्राइपॉड यूज़ किए. तो ये थोड़ा सा महंगा है, लेकिन आपकी वैल्यू करेगा, आपके हर एक पैसे का वसूल है. सो गाइस देख सकते हो इस तरीके से आपको फ़ोन फिट कर सकते हो आप. और इसके बाद जैसे कि मैंने आपको सारे इसके फीचर्स बता दिए,
लेग्स को आपको लॉक कर देना होता है, और उसके साथ ही साथ ये मेरे हाइट के लगभग मेरे कंधे तक आ रहा है। तो आप देख लीजिए गाइस कितना परफेक्ट है अगर आप कोई भी आउटडोर या फिर इंडोर कहीं पर भी वीडियो बनाते हो। और साथ ही साथ इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, आप इसको एज अ मिनी ट्राइपॉड भी यूज़ कर सकते हो। सो गाइस देख सकते हो इस तरीके से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, और साथ ही साथ आगे मैंने जो सिनेमेटिक शॉट के लिए हैंडल दिया है उसका भी यूज़ कर सकते हो, और इसको आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ये तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। आपको लॉक मिला है, फॉर एग्जांपल अगर गाइस आप टिकटॉक के लिए वीडियोस बनाते हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। आपको वर्टिकल वीडियो बनाना होता है स्ट्रेट मोबाइल यूज़ करके, तो वो भी आप उसको आराम से कर सकते हो। तो गाइस कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो ये वन ऑफ द बेस्ट ट्राइपॉड अवेलेबल है इन द मार्केट अराउंड 2000 के नीचे। तो इसकी जो करंट प्राइस है अमेजोन पे, जैसे आपको मैंने बता दिया, 1399 है, और जिसको आप इजीली परचेस कर सकते हो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा जो बेस्ट बाय लिंक लेगा। और कहने का गाइस उस लिंक से अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेस करते हो तो चैनल को थोड़ी हेल्प हो जाएगी। सो गाइस यही सब था इस वीडियो में, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा इस ट्राइपॉड के रिगार्डिंग। अगर आप लेने की सोच रहे हो तो बेस्ट है, इसको कंक्लूजन में मैं बोलूँ तो आप इसको मिनी ट्राइपॉड भी यूज़ कर सकते हो, DSLR के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और साथ ही साथ मोबाइल के लिए तो आप कर ही सकते हो। और कहने का देखा जाएगा तो गाइस इसकी जो क्वालिटी है बहुत प्रीमियम है कंपैरेटिवली अदर जो भी ट्राइपॉड हम लोगों ने यूज़ किया है, तो आपके पूरे पैसे की वैल्यू आपको इजीली मिल जाएगी इसमें। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे एक सिल्वर कलर का स्टिकर दिया है, उसमें भी उसके कुछ वर्जन लिखे गए ट्राइपॉड के बारे में। सो इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। आई होप गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, प्रेस द बेल आइकन, आप ऐसी फ्यूचरिस्टिक वीडियोज़ हमारी मिस नहीं करोगे। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस।